हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 50 का 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर है दिव्या हैज 100 रुपीज़। दिव्या के पास 100 रुपया था। सी स्पेंट, स्पेंट मतलब होता है खर्च करना। सी स्पेंट 3/5 ऑफ इट, और जिसमें से वो 3/5 भाग जो है 100 रुपया का खर्च कर देता है। हाउ मच डिड सी स्पेंट, तो वह टोटल कितना रुपया खर्च कर देती है, इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दिव्या कितना खर्च की, कैसे निकालेंगे। देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दिव्या जो है वो 100 रुपये का 3/5 भाग वो खर्च कर देती है। ठीक है, तो 100 का 3/5, तो का मतलब इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं का को, और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 100 का 3/5 भाग वो खर्च कर देती है, मतलब कितना खर्च करती है निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, मनी सी स्पेंड, 100 का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिए, और 3/5 भाग, तो 3/5 लिख दिए। 5 से कट गया 20 बार में, और 20 3 60, तो टोटल 60 रुपया वो खर्च कर देती है। दूसरा नंबर है अ स्टोरी बुक हैज़ 40 पेजेज, एक कहानी की किताब में टोटल 40 पेज है। रूबी रीड 3/4 ऑफ इट, और इसमें भी वैसे ही बोला हुआ है, जो टोटल पेज है उसका 3/4 भाग वो पढ़ लेती है। हाउ मेनी पेजेस डिड सी रीड, तो वो टोटल कितना पेज पढ़ती है, इसमें ये पूछा है। ठीक है, तो 40 का 3/4 भाग वो पढ़ लेती है, तो निकाल लेंगे कितना होता है। तो देखिए, नंबर ऑफ पेजेस सी रीड 40 का 3/4 भाग पढ़ती है, तो इतना लिख दिए और कट जाएगा 4 से 40 10 बार में, 10 × 3 कर दिए, तो 30 पेजेस हो गया। ठीक है, टोटल 30 पेज वो पढ़ती है। 3 नंबर है जतिन वॉक्स 3 whole 1/2 किलोमीटर इन अ डे, जतिन जो है वो टोटल इतना किलोमीटर एक दिन में चल लेता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स डज ही वॉक इन अ वीक, तो एक सप्ताह में वो टोटल कितना किलोमीटर चलता है। तो एक सप्ताह में टोटल कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। ठीक है, तो एक दिन में इतना किलोमीटर चलता है, तो 7 दिन में वो ज़्यादा किलोमीटर चलेगा। ठीक है, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना किलोमीटर चला वो निकल जाएगा। तो देखिए, जतिन वॉक्स 7/2 किलोमीटर इन अ वीक, यहाँ ये होल में दिया हुआ है 3 whole 1/2 किलोमीटर, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 1 ऐड कर देंगे तो 7, तो 7/2 किलोमीटर हो गया। तो वही यहाँ पर 7/2 किलोमीटर लिखा है। फिर किलोमीटर्स ही वॉक इन अ वीक, एक वीक में टोटल कितना किलोमीटर चलेगा, तो ज़्यादा चलेगा ना, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/2 × 7 कर दिए। ठीक है, तो 49/2 आ गया, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो 24 whole 1/2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 4 नंबर है अ पैकेट हैड इतना केजी ऑफ वॉशिंग पाउडर, एक पैकेट में इतना केजी वॉशिंग पाउडर है। हाफ ऑफ द वॉशिंग पाउडर वॉज यूज, जिसमें से वो आधा वॉशिंग पाउडर वो यूज कर लेती है। ठीक है, टोटल जितना केजी है उसका आधा केजी वॉशिंग पाउडर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हाउ मच वॉशिंग पाउडर वॉज लेफ्ट, तो टोटल कितना केजी वॉशिंग पाउडर अब बचा हुआ है। ठीक है, यूज करने के बाद, तो देखिए इसमें ये बोला हुआ है कि जितना वॉशिंग पाउडर है उसका आधा वो यूज कर लेती है, तो टोटल यूज कितना हुआ ये तो पता ही नहीं है। ठीक है, पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पैकेट है 3/2 kg ऑफ वॉशिंग पाउडर, एक पैकेट में इतना केजी वॉशिंग पाउडर है। ठीक है, जिसमें से इसका आधा केजी वॉशिंग पाउडर यूज हो रहा था। ठीक है, तो वेट ऑफ यूज वॉशिंग पाउडर, तो टोटल कितना यूज होता है कैसे निकालेंगे, इतने का आधा, तो ठीक है, तो का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दी, और आधा को क्या लिखते, 1/2 लिखते, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3/4 kg आया, मतलब कि 3/4 kg जो है वॉशिंग पाउडर वो यूज हो जाता है। तो इतना यूज हो गया और इतना टोटल था, तो अब बचा कितना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो वेट ऑफ वॉशिंग पाउडर लेफ्ट 3/2 − 3/4 कर दिए, इन दोनों का एलसीएम लिए तो 4, इससे इसको डिवाइड किए तो 2, 3 में मल्टीप्लाई किए तो 6, फिर इससे इसको डिवाइड किए तो 1, 3 में मल्टीप्लाई किए तो 3, माइनस कर दिए तो 3/4 kg, तो इतना केजी वॉशिंग पाउडर अब बचा हुआ है। ठीक है, 5 है अ होटल हैड 80 गेस्ट, एक होटल में टोटल 80 गेस्ट रुके हुए थे। 2/5 ऑफ देम वर वीमेन, जिसमें से 2/5 भाग जो है वो टोटल वीमेन थी, एंड द रेस्ट वर मैन, और बाकी बचे सब मैन थे। ठीक है, हाउ मैनी मैन वर स्टेइंग इन द होटल, तो टोटल कितने मैन होटल में ठहरे हुए थे ये पूछा हुआ। ठीक है,
तो टोटल आदमी कितने थे 80, जिसमें से 2/5 भाग जो है वुमेन थी। ठीक है, तो 2/5 मतलब टोटल कितना वुमेन वो निकाल लेंगे। ठीक है, 80 का 2/5 वुमेन थी, तो 80 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई 2/5 कर देंगे। ठीक है, तो टोटल वुमेन निकल जाएगा। तो देखिए, नंबर ऑफ वुमेन स्टेइंग इन द होटल, टोटल 80 थे, तो 80 का 2/5 जो है वो वुमेन थी, तो 80 का 2/5 मतलब कितना वो निकाल लिए। तो 5 से ये 60 में कट जाएगा, और 16 2 जा 32, तो 32 टोटल वुमेन थी। फिर जब 32 वुमेन है और टोटल आदमी 80 है, तो मैन कितने हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ मैन स्टेइंग इन द होटल 80 में से 32 को माइनस कर दिए तो आ गया 48। तो टोटल 48 मैन होटल में ठहरे हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।